नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। म्याना की सड़क को लेकर म्याना थाना प्रभारी राकेश गुप्ता ने लिखा कलेक्टर महोदय को एक पत्र, कहा सड़क का समाधान जल्द किया जाए, जनता में इस हेतु बहुत ही रोष है। बता दें कि म्याना से होकर ललितपुर उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क के हाल बहुत ही बेहाल हैं। इस सड़क को लेकर कई बार ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया है। इस मार्ग पर राहगीर गिरते हुए भी देखे गए हैं, साथ ही दुर्घटनाओं के लिए यह मार्ग संवेदनशील बना हुआ है। अब देखना यह हुआ कि थाना प्रभारी के पत्र के बाद क्या कार्रवाई होती है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। छतरी महासभा ने निकाली रैली, दिया कलेक्टर को ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई, जो अभी हाल ही में पुलिस लाइन के पास मीट मार्केट बनी है, वहां से मवेशियों के अवशेष आवारा कुत्ते रोड पर लाकर पुलिस लाइन में रख देते हैं, जिससे वहां पर बदबू के कारण राहगीरों का निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। छतरी महासभा ने मांग की है कि उक्त मीट मार्केट की बाउंड्री कराई जाए, जिससे पशु पक्षियों के अवशेष बाहर ना आ पाए। क्षत्रिय मौसम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षत्रिय मौसम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षत्रिय मौसम जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिला कलेक्टर महोदय, जिला गुना, विषय पुलिस लाइन मीट मार्केट के संबंध में सेवा में प्राथमिक सेवा केंद्र के नजदीक पुलिस लाइन आज सर्वसक्रिय महासंघ जिला इकाई गुना द्वारा पुलिस लाइन में मीट मार्केट जो हाल ही में स्थापित किया गया है, उसके संबंध में यहां पर सर्वसक्रिय महासंघ जिला इकाई गुना ज्ञापन सौंप रही है। ज्ञापन में मांग की गई है या तो वहां से हटाया जाए मीट मार्केट, और हटाया नहीं जा रहा तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल के अंदर किया जाए। जो वहाँ पे बेस्टेड जो बचता है उसको आवारा कुत्ते उठाकर ला रहे हैं, जो पुलिस आवास बने हुए हैं वहाँ पर उनके घरों में जा रहा है, और उनके बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहा है, और जो उनको खा रहा है कुत्ते पागल हो रहे हैं, वो बच्चों को काटने को दौड़ते हैं, और गायों को भी काटा जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पर कलेक्टर महोदय एवं नगर पालिका में भी हम अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें मांग की जा रही है कि उसको बाउंड्री वॉल के अंदर किया जाए, बस यही हमारी मांग है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सर क्षत्रिय महासंघ गुना उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगा। नगरपालिका के द्वारा ई लोकार्पण के माध्यम से 2 करोड़ के लागत से बने 2 पार्कों का लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने सागर में बैठकर किया। नगरपालिका द्वारा इन पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए करीब 2 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यह 2 पार्क हैं गोपालपुरा एवं सिंहवासा में। इसी के साथ ही करीब 200 लोगों को 50,000 रुपए भी प्रधानमंत्री आवास के लिए वितरित किए गए। पार्क निर्मित हो रहे और नगर और देश और ग्रामीण कस्बे सब चारों तरफ से प्रगति की ओर बढ़ती चली आ रही है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। चारों तरफ हरियाली छा रही है, चारों तरफ विकास के नए नए आयाम रचे जा रहे हैं। जब आसपास के मोहल्लों में एक अमेरिका बीच बीच में केंद्र के रूप में ये पार्कों का विकास हो रहा है, ये भी सभी की आवश्यकताओं के लिए बहुत उठी हुई आवश्यकता थी, और इस सबका आज लोकार्पण भी और आज शुभारम्भ भी होने जा रहा है। कैसे हो अंतिम पंक्ति तक जिनका आज तक किसी ने ध्यान नहीं रखा, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यक्रमों से ई शिलान्यास सरकार वहाँ से बैठकर बटन दबाकर किया जाएगा। आज गुना को जो अनेकों सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दे रहे हैं, उसमें और एक सौगात जोड़ दी जा रही है जो हम सबके लिए गर्व का अनुभव करने के लिए है। मैं आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ एक युवक,
युवक का नाम है गोविंद सिंह, जिसने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया था जिसमें उसे 2 लाख रुपए के इनाम खुलने की बात कही गई थी। इसके बाद गोविंद सिंह ने एक नंबर पर फोन लगाया जिसमें बताया गया कि 550 का रिचार्ज करा दीजिए, आपको आपकी इनाम की राशि मिल जाएगी। युवक द्वारा रिचार्ज कराने के बाद उसे कहा गया कि कल हमारे बॉस आपसे बात करेंगे। उसके बाद युवक को फिर से वहां से फोन आता है जिसमें 11,500 रुपए अकाउंट में जमा कराने की बात की गई है और बताया गया कि 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। युवक ने जब ये पूछा कि 11,500 किस बात के, तो बताया गया कि इनकम टैक्स के पैसा काटा जाना है जो आपको ही जमा कराना होगा। जिसके बाद गोविंद सिंह ने ये पैसा उस अकाउंट में जमा करा दिया, लेकिन आज दिनांक तक उसके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आया है। इसके बाद थक हार कर SBI शाखा पहुंचा, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। समस्या पर है कि आए दिन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए, उसके बाद भी युवक क्यों फंस गया उसमें। पहले मेरे पास एक मैसेज आया, उसको देखकर मैंने जो मैसेज आया तो उस नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उससे पूछा ये बात सही है, उसने कहा हाँ सही है और आपकी इनाम 2 लाख रुपए की खुल चुकी है और एक गाड़ी मिलेगी आपको पल्सर, इसकी फार्म फीस 550 रुपये, आप 550 रुपये का रिचार्ज करवा दीजिए। इसके बाद में मैंने रिचार्ज करवाया, उसने फ़ोन लगाने को बोला और किसी को नहीं बताने के लिए ही बोला और मैंने रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करवाने के बाद उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद फिर उसने कहा हमारे साहब से बात करना है। तो दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे फ़ोन आया, तो साहब ने कहा इतने रुपये आपको जमा करना पड़ेगी। मैंने उनसे बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है अब, तो उन्होंने कहा इतने पैसे और जमा कर दो, आपका जो कंपनी की तरफ से 2 लाख रुपये का शेयर दिया जा रहा है इसका इनकम टैक्स 11,500 रुपये, इसके बाद आपको पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे। मैंने फिर मैंने किया नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास दिला दिया कि इतने 11,500 रुपये जमा करो, उसके बाद में आपकी 2 लाख रुपये आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर लो फोन निकाल लो। तो मैं फ़ोन किसका फ़ोन था, वो कौन सी सिम है आप? कोई आईडी कंपनी थी, आईडी कंपनी से आया था मेरे को। आपकी सिम कौन सी कंपनी थी? तो फिर आपने कितने पैसे डाल दिए? मैंने फिर कहीं से व्यवस्था करके 11,500 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया। उसने अपना नाम शंकर कुमरे के नाम से बताया था, उसका अकाउंट नंबर भी मुझे दिया था। अच्छा, तो फिर इसकी आपने रिपोर्ट करी? रिपोर्ट में सोच रहा था चलो आज नहीं कल नहीं, आज तो नहीं आए तो कल आ जाएंगे, क्योंकि गड़बड़ की वजह से 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, फिर अभी तक पैसे नहीं आए। लेकिन अब मैं उसी कदम पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे मजबूरन अब रिपोर्ट भी करना पड़ेगी। शहर में आज निकाली गई झंडा यात्रा, ये झंडा यात्रा गुलाबगंज से होती हुई शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इसके बाद इसका समापन हनुमान टेकरी पर जाकर हुआ। कृषि विभाग द्वारा उड़द प्रदर्शन योजना में लगा रहे हैं किसानों को खुलेआम चूना। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुना जिले के आरुन तहसील की, यहां किसानों को खुलेआम लगाया जा रहा है चूना। सरकार की योजना है कि उड़द प्रदर्शन में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6,200 रुपए में 20 किलो उड़द, साथ ही एक दवाई डालने वाला पंप और कई तरह के कीटनाशक दिए जाएंगे जो कि सरकार की तरफ से आए थे। वहीं दवाइयां किसानों को वितरित नहीं की जा रही, बल्कि मार्केट से खरीद कर दूसरी दवाइयां किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें कीटनाशक की दवाई कम भी दी गई है।
यह भी आरोप लगाया है कि कृषि विभाग आरोन द्वारा 6,200 की जगह 6,250 रुपए प्रति किसान से वसूले जा रहे हैं। साथ ही 6,250 का कोई बिल या रसीद भी नहीं दी जा रही। वहीं कई किसानों को चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ कई किसानों को मना भी कर दिया गया है कि दवाई खत्म हो गई है। इसी क्रम में भाजपा मंडल महामंत्री पहलवान सिंह रघुवंशी ने इसकी कड़ी निंदा भी की है। कहा है कि जो भी सरकार की योजनाओं को चूना लगाएगा उसे कदापि बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पूर्व भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब मुख्यमंत्री उज्जवल संबल योजना में भी गड़बड़ी की गई थी। इसकी निंदा भी पहलवान सिंह ने की थी, जिसकी शिकायत 181 पर भी दर्ज करा चुके हैं। जब किसानों से हम बात कर रहे थे तब अधिकारियों ने उन्हें कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को मना कर दिया। साथ ही कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, विभाग द्वारा 20 किलो तो वो दिए उड़द। और दवाई कौन कौन सी दी है? दवाई बिजली की ओटा ओटा का बता दो हमें। कचड़े की और ओटा का बता दो। बीज उपचार और ओटा का बता दो। मिट्टी में। अच्छा, ये दिया है और जिंक दी है। जिंक दी है। कितने रुपए जमा करवाए आपसे? 6,250। 6,250। हाँ, एक ये दिया है। और क्या क्या दिया है आपको? 20 किलो उड़दा दिया है। 20 किलो उड़दा दिया। और क्या दिया गया? 3-3 थैली दी है। 3-3 थैली और एक दवाई लिखी। अच्छा, अभी उपचार दिए। बस ये दिया ना। तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र से उड़दा कितना दिया गया? 20 किलो उड़दा दी है। हाँ, दवाई कौन कौन सी दी गई? और एक ये पताका कंपनी की दवाई दी गई है जो कि मार्केट में मिलती है। और क्या? और एक लीटर का ये लिक्विड दवाई दी गई है। क्या है? आट्रो। कितनी एम एल की है? 500 ml की है। 500 ml की। और क्या दिया गया है आपको? और मुझे बस मात्र ये 3 ये पैकेट दिए गए हैं। और कुछ नहीं दिया गया? और कुछ नहीं, और एक पंप दिया है अलग। और लोगों को क्या क्या दिया गया है? जैसा कि हमारे भाई साहब ने ये बताया अभी भगवंत जी ने, इनको अलग से ये दिया है, लेकिन मेरे लिए ये प्रोवाइड नहीं कराया गया। ये नहीं दी गई आपको? हाँ। तो ये आपके हिस्से की मतलब ब्लैक में बेच चुके हैं ना मार्केट में? नहीं, इसका मतलब तो यही निकलता है ना सोनू? यही निकलता है, यही निकलता ना। और आपने पैसे कितने जमा किए? मैंने 6,250 रुपए जमा किए। आपसे मांगे कितने थे? 6,300 रुपए। तो आपने उसकी रसीद प्राप्त की? नहीं। क्यों? रसीद नहीं मिलती, वो आपके खाते में 6,200 रुपए आ जाएंगे। नहीं, रसीद तो एक मानो अपन कोई सा भी सामान लेके लेने जाते हैं, तो मांगी थी आपने, उन्हें दी नहीं है ना। हाँ, अब वहाँ क्या था ना, मैं अकेला तो था ही नहीं जी, 50 लोग और थे जी, वो ये सामान खरीद रहे थे, उन्हें भी उनको भी नहीं दी गई, मुझे भी नहीं, इसलिए मैंने नहीं मांगी। तो वो आपके सामने सब लोगों से इतने रुपए लिए गए? और ये सादा रजिस्टर उनका था जो विभागीय रही था जी, उस पर एंट्री कर रहे हैं हमारे, उस पर एंट्री कर रहे हैं ना। 20 किलो उड़ दिए और 1 लीटर लिक्विड ली दवाई दी है और 500 ग्राम खरपतवार दी है और 5 किलो जिंक दी है और ब्रांड के 3 पैकेट दिए हैं। अच्छा, इसके अच्छा आपने जबरदस्ती दी है या वो 6,300 ही मांग रहे थे? 6,300 मांग रहे थे, मतलब फिर 6,250 किए, 6,250 ले लिए। अच्छा, बाकी सबने कितने रुपये जमा किए हैं? और रसीद वगैरह दी है क्या? रसीद वगैरह कुछ नहीं दी। मांगी थी आपने? नहीं मांगी थी मैंने, रसीद तो मांगी थी कि रसीद अभी नहीं आई गई, बाद में आएगी तो देंगे, नहीं नहीं देंगे। पैसे उपचार भी नहीं था, उपचार आता वो नहीं था। आया ना कार्बन डाइऑक्साइड में ना, वो नीला पैक आया है। हां, तो बात 20 किलो में 100 ग्राम तो मिलेगा। 100 ग्राम का? हां, और क्या करे? और वो बता रहे थे वो जगह पे एक है, एक है तरल ले लो, क्या बोले वो मेन प्रदर्शन का जो है, जिसमें दवाई 20 रोबोट जो है
6200 रुपये में है, इसमें भी 150 रुपये कुछ ज़्यादा ले रहे हैं और इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं। वहीं से जानकारी लगी है किसानों से और कि सरकार तो किसानों के लिए भरपूर सहयोग दे रही है, अनेक योजनाएँ चला रही है, लेकिन निचले स्तर की जो कर्मचारी हैं सारी योजनाओं को पलीता लगाते हैं, कहीं ना कहीं किसान को ठगने की कोशिश करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सबल योजना RONCO द्वारा उसको पलीता लगाया गया, न किसी को सूचना दी गई, योजना कोई पलीता लगाई। इसी प्रकार से कृषि विभाग में भी कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं किसान को ठग रहे हैं और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे कीटनाशक दवाइयाँ दे रहे हैं, जो कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं कि बाहर से बाजार से खरीद कर और बाजार में बेच दी गई हैं जो सरकार द्वारा आई थी वो दवाइयाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा किसानों ने बताया था कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ जो कंपनियाँ दी थी उनको तो बाजार और मार्केट में बेच दिया, और सस्ती दवाई जो कम दाम में आती हैं वो बाजार से खरीद के वो हद के साथ वो प्रदर्शन में दी जा रही हैं। इसमें भारी भ्रष्टाचार कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ भाजपा मंडल क्या कदम उठाएगा? मैं तो पहले से ही भाजपा मंडल या पूरे हमारा संगठन और सरकार जो भ्रष्ट कर्मचारी उन पर सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बड़े अधिकारियों को तक भी गुमराह कर दी। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। SAF संभागीय DIG संजय कुमार का फिटनेस फंडा। गुना में आकर उन्होंने किया जिम का शुभारंभ। यही नहीं, यहाँ जिम में उन्होंने मशीनों के साथ जोर आजमाइश भी की, साथ ही काफी वजन भी उठाया। काफी देर तक कसरत भी इन जवानों के साथ की गई। साथ ही जवानों से कहा कि सरकारी नौकरी तो मिल गई है, इसमें खुश रहो और सीखो। संजय कुमार ने यहाँ पे 26वीं बटालियन में किया फिटनेस पॉइंट का शुभारंभ। इस शुभारंभ के मौके पर कमांडेंट RS मीना भी मौजूद रहे। फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकली एक्सरसाइज करता हूँ और खुश रहता हूँ। खुश रहना ही बहुत जरूरी होता है। और खुश रहने का मैसेज देंगे आप अपने SAF कर्मियों को यहाँ पर? हाँ, मैं तो हमेशा ही बोलता रहता हूँ कि खुश रहना चाहिए। जब आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद तो खुश रहना ही चाहिए। जिला पंचायत सभागार में आज सामान्य प्रशासन सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1,60,00,000 के कामों की स्वीकृति दी गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान एवं CEO मौजूद रही। DGRM में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।